हेलो एवरीवन, मैं हूँ लक्ष्मी एंड स्वागत है आपका हमारे चैनल सौमी असमायु में। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के साथ सारी शॉपिंग वीडियो शेयर करूँगी, जो कि सारी ही साड़ियाँ मैंने मिंत्रा से परचेज करी हैं। ये सारी ही साड़ियाँ हैवी लुक देती हैं एंड लाइट वेट हैं। फ्रेंड्स, साड़ी देखने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जो बगल में बेल आइकन है उसे भी हिट कर दीजिए, जिससे मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ तीन साड़ी का रिव्यू शेयर करूंगी, जो की ये है फर्स्ट साड़ी, जो की ये कुछ इस तरीके का बरगंडी कलर की ये साड़ी है और बहुत ही खूबसूरत साड़ी है। कलर इसका बहुत प्यारा है एंड ये एम्ब्रॉयडर्ड साड़ी है। चलिए इसे ओपन करके मैं दिखा देती हूँ आपको। गाइज, ये है साड़ी, बट इसमें समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा इसका पल्लू का साइड है एंड हाँ, ये जिधर से हम लोग रैप करते हैं ना, वो पोर्शन ये वाला है ना, हम लोग रैप करते हैं उतना खाली है। एंड ये साड़ी है कालिनी ब्रांड से। कालिनी की और भी कई साड़ियों का रिव्यू मैं आप लोग के साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर देख सकती हैं। ये है कुछ इस तरीके की साड़ी, आपको जरी बॉर्डर मिल जाएगा, जरी का वर्क मिल जाएगा बॉर्डर पे। एंड ये पूरी साड़ी ये देखिए इस तरीके से एम्ब्रॉयडरी की गई है, पूरी ही साड़ी में ऊपर के साइड में ऐसा छोटा छोटा एम्ब्रॉयडरी किया गया है एंड नीचे के साइड में अगर आप देखते हैं तो इस तरीके से एम्ब्रॉयडरी की गई है। ये देखिए, ये पूरी ही साड़ी में आपको पल्लू तक ऐसा ही एम्ब्रॉयडरी मिल जाएगा। एंड इसका कलर है बरगंडी कलर है ये, एंड ये कालीनी से है। इसका जो फैब्रिक है लिनन ब्लेंड है, लिनन फैब्रिक अच्छा होता है बट प्योर लिनन हो तो, ये लिनन ब्लेंड है। एंड इसका रिव्यू तो बहुत अच्छा था, ये मुझे 886 की पड़ी है और कस्टमर ने अपना रिव्यू दिया था तो उन्हें 500 में मिली थी यही साड़ी। मुझे लगता है कि अगर 500 में ये साड़ी मिलती है तो और भी अच्छी बात है, और भी अच्छी डील है, बट ये मुझे 886 की पड़ी है। 886 के अकॉर्डिंग ये साड़ी अच्छी है, एम्ब्रॉयडर्ड साड़ी है एंड फैब्रिक भी अच्छा है, उतना चीप क्वालिटी नहीं है फैब्रिक का। मुझे तो अच्छी लगी ये साड़ी, आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड इसका जो ब्लाउज है ना, मुझे बिल्कुल भी ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके का इतना घटिया सा ब्लाउज आएगा, जो कि बिल्कुल भी कोई मैच ही नहीं है इस साड़ी के साथ। उसमें व्हाइट कलर का ब्लाउज दिखाया था एंड मान लीजिए व्हाइट तो वो सब स्टाइलिश ब्लाउज पहनी रहती है मॉडल जो होती है, बट मैं पिक अटैच कर दूंगी आप लोग देख लीजिएगा। उसमें दिखा रहा था सेम इसी कलर का ब्लाउज, बट आया है ये गोल्डन कलर का ब्लाउज। ये बिल्कुल डिसअपॉइंट करने वाली बात है। ये देखिए, ये है कॉटन ब्लेंड फैब्रिक आया है, ये कुछ इस तरीके का इसका ब्लाउज है गोल्डन कलर का, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। साड़ी अच्छी थी 900 में, थोड़ा कॉस्टली भी लग रही थी, बट ये ब्लाउज ना, ब्लाउज तो एकदम घटिया आया है। ये साड़ी मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद आई है तो इसे मैं रिटर्न ही लगा दूंगी। अब चलिए सेकेंड साड़ी देख लेते हैं। गाइस, जो सेकेंड साड़ी है ये कुछ इस तरीके की है, येलो कलर की साड़ी है एंड ये है सेली पे। सेली की भी साड़ियों का रिव्यू मैं आप लोग के साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ, वो साड़ी अच्छी थी एंड ये साड़ी भी अच्छी है, बट थोड़ा सा कॉस्टली है क्योंकि अभी इस पे कोई ऑफ नहीं था। आई थिंक जब मैंने परचेज किया है तो शायद 48% ही ऑफ था, अगर 70% तक ऑफ में आप लेती हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। ये कुछ इस तरीके की साड़ी है, मैं ओपन करके दिखाती हूँ आपको। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट फैब्रिक है इसका। गाइस, इसका ब्लाउज भी इसी साड़ी में दिया गया है, ये सेम ब्लाउज है एंड सेम साड़ी है। ये देखिए, वुवेन वर्क की साड़ी है, बॉर्डर में भी वुवेन वर्क मिल जाता है एंड पूरी ही साड़ी में सेम ऐसा ही वुवेन वर्क मिलेगा एंड एकदम छोटा छोटा सा डिजाइन बना हुआ है। ये देखिए, पास से पता नहीं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं बैक कैमरे से रिकॉर्ड करके अटैच कर दूंगी। एकदम छोटा छोटा सा बारीक बारीक सा डिजाइन है, ये देखिए ऐसा, एंड पूरी ही साड़ी में ऐसा वुवेन वर्क एंड ये गोटा मिल जाएगा, सॉरी गोटा नहीं, बॉर्डर मिल जाएगा। सेम बॉर्डर नीचे के साइड में भी दिया गया है एंड सेम बॉर्डर ऊपर के साइड में भी दिया गया है। पूरी साड़ी कुछ इसी तरीके की है, ये ऐसी, ये एंड ऐसा पल्लू दिया गया है। पल्लू में ऐसे पहले सीधा सीधा वुवेन वर्क है एंड उसके बाद जैसा पूरी साड़ी में वुवेन वर्क दिया गया है उस तरीके का वुवेन वर्क दिया गया है, ये कुछ ऐसा। एंड ये साड़ी मुझे पड़ी है 1339 की। 1339 के अकॉर्डिंग इसका, जैसे मैं साड़ी हमेशा लेती रहती हूँ, तो इसका फैब्रिक जो है, फैब्रिक का क्वालिटी भी मुझे और साड़ियों से डिफरेंट लग रहा है। साड़ी भी हैवी है, बहुत अच्छी भी लग रही है एंड ये है सेली से। आप इसके साथ पिंक या फिर रेड कलर का अगर ब्लाउज पेयर करती हैं तो और भी ज़्यादा निखर के आने वाली है ये साड़ी। साड़ी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, आप लोग को कैसी लगी मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कॉस्टली है बट उसके अकॉर्डिंग इसका फैब्रिक भी बहुत अच्छा है। मुझे 1339 की पड़ी है। अब चलिए थर्ड साड़ी देख लेते हैं।
गाइस जो थर्ड साड़ी है ये कुछ इस तरीके की है एंड सारी ही साड़ियां प्रॉपर सील्ड थी। ये पिंक कलर का इसमें ब्लाउज दिया गया है, ब्लाउज का जो फैब्रिक है कॉटन ब्लेंड फैब्रिक दिया गया है पिंक कलर का। एंड ये साड़ी में जैसा बॉर्डर दिया गया है वैसा ही बॉर्डर ब्लाउज में भी दिया गया है, जिसे आप अपने हैंड पे या फिर बैक में डलवा सकती हैं, एक ही जगह डलवा सकती हैं क्योंकि मुझे लगता है इतना ही है ये बॉर्डर, तो या फिर आप हैंड पे डलवा सकती हैं या फिर बैक में एक ही जगह ये बॉर्डर आएगा। एंड ये इतना 0.1 मीटर इसका फैब्रिक दिया गया है ब्लाउज के लिए। देन स्टार्ट हो जाती है साड़ी। ये साड़ी का ऊपर का छोर है जो कि क्रीम कलर का है एंड नीचे ऐसे आते आते प्रिंट स्टार्ट हो जाता है। ये इतना खाली दिया गया है, जितना जितना हम लोग रैप करते हैं उतने में बॉर्डर नहीं दिया गया है। देन बॉर्डर स्टार्ट हो जाता है, ये कुछ इस तरीके का बॉर्डर दिया गया है जैसा कि ब्लाउज में दिया गया है। एंड ये पूरी साड़ी ऐसी ही है। मुझे लगता है कि पहनने के बाद आप लोग को ज़्यादा अच्छे से समझ में आता होगा साड़ी का, क्योंकि इस तरीके से पूरा मैं दिखा नहीं पाती हूँ इतने वीडियो में। तो ये देखिए इस तरीके की साड़ी है, नीचे में ऐसे में पूरे में ही इसी तरीके का बॉर्डर दिया गया है एंड लास्ट में भी ऐसा ही पूरे में बॉर्डर दिया गया है। साड़ी का जो फैब्रिक है प्योर जॉर्जेट है। ये साड़ी मुझे 836 की पड़ी है एंड अगर आप जनरली किसी लोकल मार्केट से ऐसी ही साड़ी लेने जाते हैं तो आपको 400 500 600 तक में मिल जाएगी। तो अगर आपको ये सब साड़ियाँ 70% तक ऑफ में मिलती हैं तभी आप लोग लीजिएगा, वरना मत लीजिएगा क्योंकि उससे ज़्यादा पैसा खर्चा करने लायक नहीं है। 836 की साड़ी है। अगर ऐसी ही साड़ी मैं लोकल मार्केट में लेने जाऊं तो 600 में बहुत इजीली मिल जाएगी। एंड साड़ी के लिए मीशो ऐप बहुत अच्छा है, हैं तीनों साड़ियां बहुत अच्छी, बस आप प्राइस का ध्यान रखिएगा, विशलिस्ट करके रखिएगा, जब भी इसका प्राइस ड्रॉप हो तभी परचेज करिएगा। साड़ी की लेंथ है 5.5 मीटर एंड ब्लाउज का जो लेंथ है 0.8 मीटर है। अगर आपको इनमें से कोई भी साड़ियाँ पसंद आती हैं, आप परचेज करना चाहती हैं, तो मैं इसका बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकती हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा एंड आप ये वीडियो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर सकते हैं, शायद उनकी भी थोड़ी सी हेल्प हो जाए ऑनलाइन शॉपिंग करने में। एंड इस वीडियो का करती हूँ यहीं पे, मिलती हूँ आपसे एक नई शॉपिंग हॉल वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।